तो गाइस न्यू वीडियो आ चुकी है, बट गाइस इस वीडियो को शूट करते टाइम गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कहीं हमारे फ्री फायर को कुछ ना हो जाए, ये हमको छोड़ के ना चला जाए। तो यार आपका क्या कहना है इस बात पे कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सॉरी जेंटलमैन, मैं लेट हो गया था, माफी चाहता हूँ मैं। कोई बात नहीं जेम्स, लेकिन आपने हमको जिस काम के लिए बुलाया है वो तो अभी तक आपने दिखाया नहीं। कर्नल चिंता मत करो, वो सब काम तैयार है, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। कर्नल इस बार भी हमारे देश के साइंटिस्टों ने कुछ नया करके दिखाया है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस नए को कब दिखाओगे आप? वो लोग अभी आते ही होंगे, वो अंडर हैं, वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, हम भी तो देखें आखिर ऐसी क्या नई चीज है। हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। लेकिन जेम्स कहीं ऐसा ना हो इस बार भी आप पहले की तरह वो फटे टूटे रोबोट्स पकड़ा दो हमारे हाथों में। नहीं नहीं कर्नल, ऐसा मत सोचो कर्नल, इस बार कुछ अलग ही होने वाला है, तुम लोग चिंता मत करो। तो इंतजार का समय खत्म होता हुआ, अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर डैनी। ये डॉक्टर डैनी कौन है, कोई नए है क्या? हाँ यही तो है। नमस्कार दिव्य सज्जनो, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर डैनी, कर्नल इनसे मिलो, ये है डॉक्टर डैनी। हेलो डॉक्टर डैनी, तो आप हैं? सर बचपन से ही मेरे सर पे एक भूत सवार था कि अपनी इंडियन आर्मी के लिए मैं कुछ करके मरूंगा, इसीलिए मैंने एक म्यूटेंट बनाया है सर। जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखने में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा है। जैसा कि आपको हमारे रूल के हिसाब से पता है, पहले हम इसकी टेस्टिंग लेना चाहते हैं, क्या खूबियां है इसके अंदर? ओ खूबियां देखनी है, ठीक है कर्नल, अपनी आर्मी से बोलो मेरे इस म्यूटेंट को मार के दिखाए, अगर मेरा म्यूटेंट मर गया तो मैं वापस चला जाऊंगा, वरना ये आर्मी में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि मेरी आर्मी किसी से कम नहीं, इसको अभी भून के चकना चूर कर देगी। कर्नल अभी तुम भूल में हो, उसे मार के तो दिखाओ, बोलो अपने जवानों से। तो जवानों हो जाओ तैयार, भून दो इसको, हम भी तो देखें आखिर कैसा म्यूटेंट है, फायर करो। स्टॉप स्टॉप, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारी गोलियों को जंग लग गई क्या हो गया? गोली मारो उसको, उस म्यूटेंट को खत्म करो। सर वो नहीं मर रहा, सर क्या करो, नहीं मर रहा। क्या मतलब डॉक्टर डैनी की बात सही है? अरे कर्नल क्या हुआ कर्नल, मारो ना उसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? डॉक्टर डैनी आपने इसको क्या पहनाया है, ये तो बहुत खतरनाक है। मैंने पहले ही बोला था कर्नल, अब तुम्हें वो लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर डैनी आपने कमाल कर दिया, डॉक्टर डैनी आपने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन अभी तो आपने बोला था एक दूसरा साइंटिस्ट भी है ना? हाँ अभी एक और भी है, साइंटिस्ट मेहरा, हाजिर हो साइंटिस्ट मेहरा। ओहो तो ये है साइंटिस्ट मेहरा, इनको भी देख ही लेते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं डॉक्टर मेहरा, बस हम देखना चाहते हैं ये आपका, इसका वैसे नाम क्या है, क्या नाम रखा है? सर मैं इसको प्यार से कोबरा कहता हूँ। कोबरा बहुत बढ़िया नाम है, खैर कोई बात नहीं, आप इसकी टेस्टिंग दो बहुत जल्दी से। कर्नल इसकी टेस्टिंग तो ले लो आप, मगर ये कोबरा उस टाइटन से भी अच्छा है। अरे वो तो देखने ही वाले है ना, आखिर इसकी भी खास बात क्या है? अरे वो तो अभी दिखाता हूँ कोबरा। अरे आपका कोबरा कहाँ गया? अरे अरे कर्नल अपने पीछे देखो, कर्नल पीछे देखो। खा गए ना धोखा, कर्नल पीछे तो देखो। क्या पीछे? अरे वाह साइंटिस्ट वाह, मान गए तुम्हें, तुमने वाकई बहुत खतरनाक चीज बनाई है, एक पल में गायब हो जाता है ये तो। साइंटिस्ट तुमने तो कमाल कर दिया साइंटिस्ट, ये क्या अनोखी चीज बनाई है साइंटिस्ट। कहाँ गया? अरे अब कहाँ गायब हो गया साइंटिस्ट? इधर देखो कर्नल, उधर क्या ढूंढ रहे हो? अरे वाह 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 कमाल कर दिया, ये तो सच में लाजवाब है साइंटिस्ट। अरे मैंने तो लाजवाब बनाया है ना, बहुत मेहनत लगी है इसमें कर्नल,
आप इसी को सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ हाँ, लेकिन एक आखिरी टेस्ट और है। देखो, हमने शक्तियों का टेस्ट तो कर लिया है, लेकिन अब दिमाग का टेस्ट करना बाकी है। उसके बाद आप में से एक या आप दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ठीक है डॉक्टर डेनी, हम इनसे जरा पूछेंगे कुछ। ठीक है, पूछो, कुछ भी पूछो। तो ठीक है म्यूटेंट, बताओ अगर हमारा जवान घायल पड़ा है और तुमको कवर देने के लिए भेजा जाए तो आप क्या करोगे? मार दूंगा सबको, मैं सबको खा जाऊंगा। अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है सर? क्या बोल रहा है? अरे अरे क्या बोल रहा है तू? डॉक्टर डेनी, ये है तुम्हारा बनाया हुआ म्यूटेंट जो बोल रहा है मार दूंगा सबको। सर वो गलती हो गई सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, गलती हो गई सर। चुप करो। सर सर प्लीज एक बार और पूछो सर। नहीं डॉक्टर डेनी, आपने इस म्यूटेंट को ताकत तो दी लेकिन दिमाग इतना सा भी नहीं दिया, ये जवानों को मारने की बात कर रहा है। खैर अब हम कोबरा से पूछते हैं। कर्नल तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा मैं। निकल जाओ और तुम्हारा लाइसेंस मैं अभी कैंसिल कराता हूँ। कोबरा तुम बताओ, तुम होते तो तुम क्या करोगे? मैं सबको बचाऊंगा, अपने फौजियों को कवर फायर दूंगा, मैं किसी की भी जान नहीं जाने दूंगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें पास करता हूँ, लेकिन साइंटिस्ट मेहरा अभी तुम्हें इस पे बहुत काम करने हैं, आप इस पे काम करो। धन्यवाद सर, सर मैं इसको और अच्छा बनाऊंगा, और अच्छा काम करूंगा इस पे। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर आपने बहुत अच्छा काम किया है सर। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कोबरा, तुमने कमाल कर दिया, क्या जवाब दिया मेरे कोबरा। सर आपने मुझे बनाया है तो मैं आप जैसा ही बनूंगा ना। हाँ मेरे कोबरा, हाँ बहुत बढ़िया किया तुमने। मेरी जगह लेगा तू डॉक्टर मेहरा, मेरी जगह लेगा। अरे हटो सामने से। अरे डॉक्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अभी तक गए नहीं? डॉक्टर मेहरा बहुत चालाक बनता है, तुझे पता था कि मैं आज यहाँ आऊंगा, फिर भी तू यहाँ आया। नहीं नहीं मुझे सच में नहीं पता था, लेकिन सच में तुम्हें अभी इस म्यूटेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। तुझे पता है तेरी वजह से उस कर्नल ने मेरी कितनी बेइज्जती की और वहाँ से भगा दिया मुझे। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अभी इस पे काम करने की जरूरत है। एक तो तुमने इसको इतना डरावना बनाया है कि कोई इसको पसंद नहीं करेगा। तू मुझे मत सिखा, मैं तुझे सिखाऊंगा, तू यहाँ से जा। लेकिन एक बात याद रखना मेहरा, जिस दुनिया ने इसे ठुकराया है ये उन सबको ठुकराएगा। मुझे तो पहले ही तुम पे शक था। तुझे क्या लगता है तेरे दो कौड़ी का कोबरा मेरे म्यूटेंट को हरा देगा? चुप कर, और यहाँ पे लड़ने की बात नहीं हो रही, बात हो रही थी दिमाग की जो तूने उसमें डाला ही नहीं। लेकिन मैंने इसको फीलिंग्स दी है, सब कुछ दिया है। वो तो तुझे पता चल जाएगा, मगर तू अभी यहाँ से निकल जा, वरना मेरे मुँह से उल्टा सीधा निकल जाएगा। भाग यहाँ से। हम तो जा ही रहे हैं, आगे से हट। ठीक है निकल जा, मगर मैं दुनिया को दिखा दूंगा डॉक्टर मेहरा। चला जा यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। अगर वो कोबरा वहां ना होता तो कर्नल को तुझे लेना ही पड़ता, मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे इतना ताकतवर बनाऊंगा कि दुनिया तुझे देखेगी, दुनिया तुझे सलाम करेगी। कोबरा आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुन के तुम बहुत खुश होगे, बहुत। नहीं डॉक्टर मेहरा, इससे ज्यादा खुशखबरी क्या हो सकती है कि मैं आर्मी में सिलेक्ट हो चुका हूँ। इससे भी बड़ी खुशखबरी है, आज से मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। क्या मतलब डॉक्टर मेहरा? हो सही सुना तुमने, मैं आज से तुम्हारा कंट्रोल तुमको दे रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर आप इतना बड़ा भरोसा मुझ पे मत करो, मुझसे कोई गलती हो गई तो आप क्या करोगे? नहीं तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, तुमको मैंने अभी तक अपने कंट्रोल में रखा, मैं अभी आजाद कर देता हूँ। नहीं डॉक्टर एक बार फिर सोच लो, आप गलत कर रहे हो। नहीं मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुम्हारा कंट्रोल तुम्हें दे देता हूँ। ऑन करो सारे कंट्रोल जल्दी। सर सारे कंट्रोल ऑन हो चुके हैं, अब कोबरा आजाद है, अब ये खुद से कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हो गया, बहुत बढ़िया, सब बस। ये लो कोबरा, अब तुम आजाद हो।
सर आपने मुझ पे इतना बड़ा भरोसा किया, मैं आपका कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? बस आर्मी में जाओ तो सबका ख्याल रखना, सेना पे आंच मत आने देना। सर आप चिंता मत करिए, मैं किसी को आंच भी नहीं आने दूंगा, मैं सबका ख्याल रखूंगा। बहुत बढ़िया, इसी बात ने तो मेरा दिल छू लिया है कोबरा। कौन कहता है कि तुम रोबोट हो, तुम मेरे बेटे हो कोबरा, मेरे बेटे। तुम भी इंसान हो बिल्कुल हमारी तरह, तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स है। सर ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है मैं रोबोट हूँ ही नहीं, मैं भी आप जैसा एक इंसान ही हूँ। हाँ तुम भी इंसान हो हमारी तरह, मेरे बेटे हो तुम मेरे बेटे कोबरा। उस दो कौड़ी के कोबरा की वजह से मुझे रिजेक्ट किया, मेरे टाइटन को रिजेक्ट किया। अरे क्या हुआ, अगर मेरे टाइटन में दिमाग नहीं था तो ताकत तो बहुत थी। सर उन्होंने जो भी किया सही किया, आपको इसके ऊपर काम करने की अभी जरूरत है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने आपको पहले भी बोला था इसमें सिर्फ ताकत है, दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। आप इसको खामोखी ले गए वहाँ पे। चुप हो जाओ मेरे सामने, एक काम करता हूँ, पहले तुम्हें ही निपटा देता हूँ। तुम लोग ही मेरे सगे नहीं हो तो वो क्या होगा, देख क्या रहा है, खत्म कर दे इनको, मार दे इन सबको। नहीं बचाओ सर, बचाओ मे। शांत शांत हो जा, शांत हो जा। अभी तेरे अंदर कुछ काम करने की जरूरत है मुझे, मगर दिमाग की नहीं ताकत की। तेरे लिए ताकत और चाहिए, मैं तेरे अंदर इतनी ताकत कर दूंगा ताकि दुनिया देखेगी तुझे, और उस दिन दुनिया का दिमाग फेल हो जाएगा और तेरी ताकत बोलेगी। Ha ha ha!